एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज हम यहाँ पे होंडा शोरूम में वेनेशियन होंडा कांदिवली एसपी रोड पे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे होंडा की नई BS6 मॉडल SP125 शाइन SP125 BS6 मॉडल। तो पूरा स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूँ और उसका थोड़ा सा वॉक अराउंड भी हम लोग देखेंगे, तो क्या क्या नया फीचर्स है, तो वीडियो में बने रही है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है SP125 BS6 मॉडल और साथ में है अक्षय। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको इसका बताएंगे, तो बताइए अक्षय जी। ये डिजिटल मीटर देखिए, इसमें अभी फुल्ली डिजिटल मीटर दिया है, इसका पैनल चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको इंजन का आपको इंडिकेशन दिया है, जब ये व्हीकल आपका जब बंद करेगा और चालू करेगा ना तो उसमें आपको इंडिकेट करेगा, उसके बाद आपको ये व्हीकल स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे गियर शिफ्टिंग भी दिया है, तो आपको आसानी हो जाएगा व्हीकल चलाते वक्त अपना गियर कौन से गियर में अभी आप व्हीकल चला रहे हैं। गियर इंडिकेटर दे दिया है इसमें आपको। फिर किलोमीटर दिया है आपको, कितना किलोमीटर आप चला रहे हैं या कैसे, वो अभी आपको उसमें इंडिकेट कर रहा है कितना किलोमीटर है, ट्रिप मीटर है। फ्यूल भी इसमें आपको इंडिकेट किया है, इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं वो हिसाब से, किलोमीटर भी दिया है। प्लस इसमें आपको फ्यूल अगर समझो 1 लीटर है तो 1 लीटर में आपका कितना किलोमीटर चलेगा, अच्छा वो भी इसमें आपको इंडिकेट किया है, मतलब रिजर्व में कितना चलेगा वो भी पूरा। रिजर्व में या फुल जितना भी आपका टॉप अगर आपने फ्यूल भराया रहेगा, फुल भी रहेगा तो भी इसमें आपका कितना किलोमीटर चलेगा, तो वो भी आपको इसमें इंडिकेट किया है। ठीक है, ये आपको एवरेज भी बता रहा है इसमें कि आपका अभी समझो पर लीटर अगर आपका इतना व्हीकल चला है तो उसमें आपको कितना एवरेज इंडिकेट किया है। ओके, तो वो भी आपको इसमें पता है। इसमें आपको अभी किल स्विच दे दिया है, अच्छा तो ये एक नया फीचर दे दिया है इसमें। तो इसमें ये एक और फीचर है ना, ये मतलब किल स्विच अगर आप ऑफ करते हैं तो ये पूरा सब कुछ सिस्टम ऑफ नहीं हो रहा है, ये हेडलाइट भी ऑन रहा है इसका। हेडलाइट भी आपका अभी इसमें डिजिटल मीटर दे दिया है, एलईडी लाइट दे दिया है इसमें। तो ये एलईडी हेडलाइट है इसमें, ये DRL है, फिर ये हाई बीम का है। हाई बीम है। तो इसमें देख बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप किल स्विच अगर ऑफ करते हैं तो गाड़ी पूरा बंद नहीं हो जाता है, मतलब खाली इंजन ऑफ हो जाएगा, क्रैंक इसका नहीं लगेगा, और साथ में ये लाइट जो है ये भी चालू रहती है यहाँ पे। तो ये एक ही स्विच में दिया हुआ है, दोनों किल स्विच और स्टार्टर दोनों एक ही में दिया हुआ है, और प्लस यहाँ से भी कुछ चेंजेस किया हुआ है। तो ये जो बटन है ये पास लाइट और हाई बीम दोनों के लिए एक ही बटन है, ये पास लाइट और हाई बीम दोनों के एक ही बटन है। बाकी ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है, और ये इंडिकेटर्स भी चेंज किए हुए, काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स ऐसे बनाए हैं नया। और ये CBS है ना, CBS वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है ये, CBS का टॉप वेरिएंट। और डिस्क है इसमें, ड्रम भी आता है ना। हाँ, ड्रम वेरिएंट भी इसमें दिया है, आपको ऑप्शन है ड्रम लेना है ड्रम ले सकते हैं, डिस्क लेना है डिस्क ले सकते हैं, दोनों में आपको CBS सिस्टम दिया है। और ये फ्यूल इंजेक्टर बाइक है, फ्यूल इंजेक्टर है इसमें, कार्बोरेटर नहीं दिया है सर। ओके, और कुछ नया कुछ इसमें कुछ ऐड किया हुआ है इसमें आपको? ये अभी स्पोर्टी लुक दे दिया है अभी के जनरेशन के हिसाब से, आपको मतलब तो लुक वगैरह काफ़ी अच्छा आता है, स्टाइलिश लुक दिया है इसमें आपको। प्लस आपको सीट लेंथ काफ़ी बड़ा दे दिया, अगर नॉर्मल देखेंगे तो उसमें आपका नॉर्मल 160 के आसपास था, इसमें आपको 175 के आसपास आपका सीट लेंथ दे दिया है, थोड़ा लेंथ आपका इसमें बढ़ा दिया है। ओके, ग्राउंड क्लियरेंस आपका इसमें एडजस्टेबल है। अच्छा, ये एडजस्टेबल है यहाँ पे। ओके, और मैक्यूल्स भी चेंज किया है, डिज़ाइन चेंज किया है, मैक्यूल्स का डिज़ाइन चेंज किया है। ओके, और इसमें एक और फीचर है, ये ESP एनहेंस्ड स्मार्ट पावर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मतलब स्टार्टिंग जो स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा एकदम साइलेंट फीचर है इसके अंदर, एक बार स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं, तो एकदम तुरंत स्टार्ट हो रहा है, जैसे अपने पुरानी शाइन के ऐसा नहीं है, थोड़ा सा साउंड लगता है, एकदम साइलेंट है ये। एक बार ऑफिस से देखते हैं, एकदम तुरंत ही स्टार्ट हो रहा है, एकदम क्विक है ये। और ये रियर में यहाँ पे बल्ब भी दिया हुआ है, बल्ब है, प्लस यहाँ पे टेल लाइट में यहाँ पे सॉरी ये नंबर प्लेट के पास यहाँ पे लाइट थी जो पहले नहीं आती थी, तो अभी यहाँ पे इसमें ये दिया हुआ है। और ये पीछे के साइड का लुक है ये, और ये साइड का गार्ड है, यहाँ पे रेड कलर की स्प्रिंग वगैरह है यहाँ पे। इसमें गियर्स कितना है? 5 गियर्स। अच्छा, ये 5 गियर्स 1 down 4 up सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा SP125 BS6 मॉडल और पूरा फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। और इसका एवरेज कितना दिया है, मतलब कंपनी आपको कंपनी क्लेम 65 किया है सर। ओके, आपको 60 के आसपास तक का माइलेज मिलेगा क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर दिया है सर, कार्बोरेटर नहीं है, तो डायरेक्ट फ्यूल आपका वो इंजन में। और प्राइस कैसा है इसका? प्राइस इसमें देखिए सर, दो वेरिएंट है, तो दो वेरिएंट में आपको अलग अलग प्राइसिंग दी है। स्टैंडर्ड वेरिएंट आपको जाएगा अराउंड 90
4000 के आसपास जाएगा और टॉप वेरिएंट आपको जाएगा 97000 के आसपास। ओके, और वेटिंग है क्या गाड़ी में? फिलहाल वेटिंग तो नहीं है, तो कलर कलर अवेलेबिलिटी आपको डिपेंड करेगा सर। इसमें कलर कौन सा है इसमें? इसमें टोटल देखिए कलर में एक तो ये आपको ग्रीन कलर दिया है, मार्शल ग्रीन दिया है, इंपरल रेड दिया है, पर्ल साइरन ब्लू दिया है, ब्लैक कलर। टोटल 4 कलर्स है इसमें, 4 कलर।